उत्तर प्रदेश मिर्जापुर कोतवाली लालगंज के अंतर्गत बरौंधा चौकी के ग्राम सभा दिखुली में ग्राम प्रधान सुभाष पटेल के द्वारा सड़क का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें मनरेगा के तहत 250 मजदूरों को रोजगार दिया गया। ग्राम प्रधान सुभाष पटेल द्वारा बताया गया कि लॉकडाउन का पालन करते हुए मजदूरों में एक एक मीटर की दूरी बनाकर कार्य कर रहे हैं और मजदूर को जॉब कार्ड के माध्यम से उनका पैसा डायरेक्ट उनके खाते में भेजा जा रहा है। मौके पर कन्हैया लाल कोल, राजेश कोरी, रामजी कोल, दीना कोल, पारस पटेल, महेंद्र कोल व 250 मजदूर उपस्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए लालगंज से पप्पू सिंह की खास रिपोर्ट। बरौंधा चौकी के अंतर्गत ग्राम सभा दिवली में इस समय हम आए हुए हैं और यहाँ पर जो है ग्राम प्रधान सुभाष पटेल द्वारा जो है नरेगा का कार्य कराया जा रहा है। हम आप लोगों को ले चलते हैं जहाँ पर कार्यस्थल पर, वहाँ पर जो है काफ़ी जनता जो है नरेगा का कार्य कर रही है और हमारे उस स्थल पर जो है ग्राम प्रधान सुभाष पटेल जी उपस्थित हैं। हम इनसे जो है इस नरेगा कार्य के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रधान जी ये बताइए, आप कब से काम करा रहे हैं? सुभाष पटेल ग्राम प्रधान दिखली, ये मनरेगा कार्यक्रम 25-26 अप्रैल से चालू है, प्रारंभ है, जो कि हमारा पाँचवा काम चालू है जी, जो कि इतने लेबर 250 लेबर हैं जी जी, जो कार्यक्रम चल रहा है, दो का पेमेंट आ चुका है और बाकी एक भी पेमेंट लगा हुआ है ये प्रधान जी ये बताइए कि आप कई बार काम लगा चुके हैं? ये पचवा बार काम। तो आप जो है मजदूरी कितना देते हैं, कितने स्क्वायर फीट का कितना पैसा दिया जाता है लेबरों को? का जो मर्द है 61 फीट में 201 रुपए, 61 फीट मिट्टी खनने के बाद जो है 201 रुपए मजदूरी दिया जाता है आदमी को। औरत को? औरत को 54 फीट। औरत माटी 54 फीट खनती है? हाँ, तब एक हाजिरी लगती है। एक हाजिरी लगती है। कितना पैसा बनता है? 201 रुपए। और लेबरों को पैसा परमिट कैसे करते हैं? वो सिस्टम द्वारा होता है, ब्लॉक से, जो कि मनरेगा द्वारा डिमांड दिया जाता है, मजदूर को निकलता है जी जी, तो उसके तहत हाजिरी भरी जाती है जी, सब जमा होता है, पैसा परमिट उनके खाते में जाता है। चलिए ठीक है, इसके हम ले चलते हैं आप लोगों को जो है यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी हम कुछ जानकारी लेते हैं। बताइए भैया, आपका क्या नाम है? राम जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये दिगली के। आप कब से काम कर रहे हैं? करीब एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता? आप लोगों को मजदूरी मिलता है? हाँ, मिल रहा है। मिल रहा है। आप कितना मिट्टी खनते हैं, कितना पैसा पाते हैं? 61 फीट माटी खनते हैं, 210 रुपया मिलता है। आपका क्या नाम है? राम जी। चलिए ठीक है, हमारे बीच में जो है दिल्ली के जी, तो बताइए आपकी मनरेगा का कार्य चल रहा है जी, तो ये कब से काम चल रहा है? हमारे यहाँ 25 अप्रैल से कार्य शुरू है जी, 5 काम हो चुके हैं जी, ये 5वें काम पर हमारा काम आज से स्टार्ट हुआ है जी। कल तक जो है हमारे नाला पर काम हुआ था जी, नाला का नाम था मेन सिकड़ार नदी से जी, सुनील पांडे के चक तक जी जी। आज के संपर्क मार्ग का ये नाम है पिच रोड पारस पटेल के घर से जी जी, घोड़ावीर बंधी तक बनेगा जी। 750 मीटर की ये हमारी सड़क है जिसकी चौड़ाई 3.5 मीटर रहेगी। 250 लेबर यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं जी, जिनको आवश्यक है उनको जॉब कार्ड तत्काल बनाया जा रहा है, काम से किसी को वापस नहीं किया जा रहा है जी। जो बाहर से आए हुए हमारे श्रमिक हैं उनको 21 दिन हम लोग काम नहीं दे रहे हैं जी जी जी, 21 दिनों क्वारंटाइन रहेंगे, क्वारंटाइन के बाद उनका विधिवत जॉब कार्ड बनाया जाएगा, उनसे काम लिया जाएगा, उनको पैसा दिया जाएगा। ये बताइए, जो कोरोना महामारी फैला हुआ है इसमें लेबरों को कैसे काम करा रहे हैं आप? लेबरों के लिए हमने मास्क बांटा है और मास्क के लेबर बढ़ने के साथ मास्क का हमने ऑर्डर दिया है, ब्लॉक से बन के आ रहा है, उनको तत्काल उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल उसके लिए हमने रुमाल वगैरह से मुंह ढकने के लिए सबको बोल दिया है, सब खंतियों में लेबरों की दूरी 1 मीटर से अधिक बनाए रखने के लिए बोला है। यहाँ पर श्रमिक के लिए पानी की व्यवस्था करवाया है, सबको बताया गया है कि आप लोग हाथ धुलेंगे, हाथ धुलने के बाद जो कुछ भी खाए पिएंगे और उचित जो है दूरी का ध्यान दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल से पप्पू सिंह कुशवाहा की खास रिपोर्ट।